इंदौर महानगर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में जानकी नगर स्थित किराए का कमरा लेकर रह रहे दीपक नामक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बालाघाट का रहने वाला दीपक इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा। छात्र फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। परिजनों के मुताबिक रविवार को उसकी पीएससी की परीक्षा थी, जिसके चलते वह इंदौर आया था। पढ़ने लिखने में होनहार दीपक ने आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। इधर परिजन भी सकते में हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार प्रसेनजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। सर क्या मामला है? एक्चुअली दीपक कटरे मेरा भतीजा था। उसने यहाँ से बीएससी कंप्यूटर साइंस बोलते कॉलेज से किया था और अभी पीएससी की तैयारी कर रहा है। सर एक मर्जी जान मृतक का नाम है दीपक पिता पन्नाला, उम्र 22, जानकी नगर।